I'm Nilendra Prasad Srivastav, Principal, Foodcraft Institute, Aligarh. FCI Aligarh was established in the year 1984 and is an autonomous institute running under Ministry of Tourism, Government of UP. FCI Aligarh had been awarded Best Foodcraft Institute for all-round performance by Ministry of Tourism, Government of India. Our students are placed in reputed hotels of country and in different parts of the world because of the focused delivery of academics and practical simulations. We award scholarship to students for pursuing these courses. We advise you to subscribe this channel for gaining first-hand information when we upload a module. Thank you and Namaskar. Jai Hind. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देख रहे हैं कि इंटेक स्पीच में आज हम बनाएंगे फ्रूट ब्रेड। फ्रूट ब्रेड बनाने के लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं रेजिन्स, टूटी फ्रूटी, ब्लैक करंट और काजू, शुगर 25 ग्राम, ईस्ट 18 टू 20 ग्राम, सॉल्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 5 ग्राम ग्लूटेन, मैदा आधा किलो और मिल्क पाउडर। सबसे पहले हमने 500 ग्राम फ्लावर में ईस्ट, शुगर, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए। अब इसका हमें सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमने इसको नीट करना है, कम से कम 5-10 मिनट के लिए। इससे इसमें इसका ग्लूटेन जनरेट हो जाए, एकदम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ड्राई फ्रूट्स मिलाने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको नीट करेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स और इसको फिर से हल्के हाथों से नीम कर लेंगे। इसके बाद ड्राई फ्रूट इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। डो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम लोफ बना के ब्रेड मोल्ड में रखेंगे और प्रूफ होने का छोड़ देंगे। प्रूफ होने के बाद इसको हम बेक करेंगे। हमने इसका लोफ तैयार करना है, इसको हम लोग पीटेंगे टेबल पे। ऊपर से हल्का सा ऑयल अप्लाई कर देंगे। अब हम डो को प्रूफ होने पे छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद इसको हम बेक करेंगे।
फ्रूट ब्रेड हमारा बेक हो चुका है, परफेक्ट कलर आया है और बिल्कुल सही साइज में बना है। फ्रूट बंस, फ्रूट्स बंस बनाने के लिए आपको जो जो सामान की आवश्यकता पड़ेगी वो है मैदा 500 ग्राम, चीनी 20 ग्राम, नमक एक चुटकी, ईस्ट 15 ग्राम, ग्लूटेन 5 ग्राम, मिल्क पाउडर 50 ग्राम और पानी 350 ml, ड्राई फ्रूट आवश्यकता अनुसार। ब्रेड बनाने की विधि है, सबसे पहले आप मिल्क पाउडर को ग्लूटेन के साथ छान लें, अवन को प्रीहीट कर लें 200 से 220 डिग्री सेल्सियस तक। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक सॉफ्ट डो तैयार करें। डो को एक ग्रीस्ड बाउल में रख के वार्म प्लेस में फर्मेंट होने के लिए छोड़ दें कम से कम 20 मिनट के लिए। अब फर्मेंटेड डो को लें और उसको हल्के हाथ से पंच करें और फिर से उसको नीट करें, गूंदें। उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाएं और उसको फिर से अच्छी तरह गूंद लें। तैयार डो को 450 ग्राम के पीस में काट लें, उसको एक ब्रेड की शेप देके ग्रीस्ड करे हुए ब्रेड मोल्ड में रखें और फाइनल फर्मेंटेशन के लिए एक वार्म प्लेस में रख दें। फर्मेंट होने के बाद डो को अवन में प्लेस करें 25 से 30 मिनट के लिए और जैसे ही आपके बेकिंग कंप्लीट हो उसके बाद उसमें तुरंत तेल लगाएं जिससे कि उसकी स्किन में चमक बनी रहे और वो सूखे ना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें।